सैंडविच तैयार, अब लेके जाती हूँ साहब जी के पास। अरे मैम साहब, ये क्या तुमने सैंडविच में जहर मिला दिया? अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया। अरे मैम साहब झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने सैंडविच में ना जहर मिलाया है। क्या तूने इसमें जहर मिलाया? अरे मैम साहब मैं क्यों इसमें जहर मिलाता, जहर तो इसमें आपने मिलाया है। ये रामू ना तुम्हें मारना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम, रामू क्यों मारेगा मुझे? और वैसे भी ना ये हमारे यहाँ इतने दिन से काम कर रहा है, ये हमारा वफादार नौकर है। मैं जो भी बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपने कहा था ना मुझे सैंडविच बनाने के लिए, मुझे ना कुछ काम था तो मैंने रामू को बोल दिया कि साहब जी के लिए सैंडविच बना दे, तो मैंने इसे अपनी आंखों से देखा इसमें जहर मिलाते हुए। अरे साहब आप मेरा विश्वास करो, मालकिन झूठ बोल रही है। तू ना चुप कर, भला ये क्यों मारेगी मुझे? तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा मुझे मारने के लिए। मैंने ना तुमसे कितनी बार कहा है कि नौकरों को ना नौकरों की तरह ही रखना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखना है। अब भुगतो, सर पे चढ़ा रखा है ना तुमने इसे। तुम ना सही कह रही हो, मैंने इसको अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। यार तेरे लिए हमने क्या नहीं किया, तेरे भरोसे पे हम पूरा घर और पूरा सामान छोड़ के जाते हैं और तूने ये सलाह दिया। अरे साहब आप मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप तो मेरी तनख्वाह भी टाइम पर देते हो, तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? बस कर रामू, अपना ड्रामा बंद कर, इतना भला बन के मत दिखा। जो तू अपने गांव में फोन पे बातें करता है ना, वो मैंने सारी सुन रखी है। आपको पता है ये अपने गांव में फोन करके क्या क्या बातें करता है? बोलता है मुझे सैलरी नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ये सब बातें बुराइयां करता है हमारे बारे में। रामू तुम्हारी सच्चाई ना सामने आ चुकी है, तुम कितनी भी सफाई दो लेकिन अब मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और वो कहते हैं ना कि झूठ कभी छिपता नहीं। रोहित कम से कम आपको समझ में तो आया, भले ही देर से सही, अब इसको ना इस घर में एक मिनट भी मत रखो, इसको भगा दो हमारे घर से, वरना आज न कल तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। शालू तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे लोगों को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी इस घर से जाएगा तो सही, लेकिन ये नहीं तुम। क्या ये क्या बात कर रहे हो तुम, और मैं क्यों जाऊंगी इस घर से? जहर तो इस रामू ने मिलाया है ना, मारना तो ये चाहता है तुम्हें। मैं ना कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और वैसे भी मैं बिना सबूत के किसी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाता। क्या कहना क्या चाहते हो आप, मतलब क्या है आपका? हाँ हाँ बताता हूँ, जब मैंने तुम्हें सैंडविच बनाने के लिए बोला था ना, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, और जो ये तुम सब कर रही थी ना, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा, और उसके सबूत ये इस वीडियो में। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, पर क्या परवर, मुझे ना तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, तुम अपने कपड़े लो और निकलो यहाँ से। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज की बात ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे अपने घर से मत भगाओ, कहाँ रहूंगी मैं, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनो मैं ना तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, और तुम्हें ना ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और अब तुम अपने कपड़े लो और निकलो यहाँ से।